हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेली 9 PM पे हमारा प्रैक्टिस सेशन रहता है अपकमिंग JKSSB जूनियर इंजीनियर सिविल का जो एग्ज़ाम है उसके लिए। अभी तक हम इस सेशन में अपना सर्वेइंग और हाईवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ सेशन रख चुके हैं। करंटली हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चल रहा है, जिसमें मैंने कुछ सेशन रखे थे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बेस पे, और फिर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स भी इसका कंप्लीट किया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इस पर मैं देखता हूँ एक या दो सेशन इस पर हम रखते हैं, तो उसके बाद हम किसी और टॉपिक पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज द रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड शेयर मॉडुलस इज। रिलेशन पूछा गया है हमसे कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है और शेयर मॉडुलस जो होता है उनके बीच में हमें रिलेशन बता दीजिए आप। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से और शेयर मॉडुलस को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मुझे ये म्यू बनाना यहाँ पर मुश्किल हुआ था, तो यहाँ पर क्या है, ई इज इक्वलेंट टू, ये आप मान लें ये है ए इज इक्वलेंट टू जी इंटू 1 - 2 म्यू। फाइन, सीधा यहाँ पर ऐसे ही है 1 + μ, 1 - 2μ। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहचानना है हमने। देखिए क्या होता है, अगर हम फॉर्मूला याद करें तो वो होती है हमारे पास E इज इक्वलेंट टू 2g 1 + μ। ठीक है, ये होती है हमारे पास करेक्टर रिलेशन। याद रखने का तरीका आपके ऊपर है कैसे याद रखते हैं आप। अगर नहीं याद रहता है, कोई ट्रिक नहीं है, तो मुझे बता दीजिए, मैं फिर कमेंट में ही आपको बता दूंगा कि कौन सी ट्रिक से मैंने इनको याद रखा था अपने टाइम पे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। ये जो तीन रिलेशन बेसिक रिलेशन है ई जी और के में, तो वो तीनों के लिए ट्रिक मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको याद है तो ठीक, अगर नहीं तो फिर बता दीजिए कमेंट्स में, मैं आपको साथ शेयर करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ सॉलिड इज गिवन बाई। स्ट्रेन एनर्जी का पूछा गया है कि एक सॉलिड में हमें स्ट्रेन एनर्जी जो स्टोर होती है वो हमें बता दीजिए कि वो कितनी होती है। ठीक है, अब देखिए स्ट्रेन एनर्जी का पूछा गया है हमसे, तो हम मान के चलेंगे कि हमसे क्या पूछा गया है, इसने टोटल एनर्जी। ठीक है, ये पहले आपको समझ आना चाहिए कि इसने पूछा क्या है हमसे। ठीक है, अगर आपने ये पकड़ लिया कि इसने पूछा क्या है, स्ट्रेन एनर्जी से मतलब क्या है इसका, कि ये कौन सी एनर्जी हमसे पूछ रहा है, तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो टोटल एनर्जी अगर जो होती है हमारे पास वो होती है 1/2 ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। फाइन, ये होती है हमारे पास टोटल एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन वॉल्यूम। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फाइन, अगर हमसे पूछता ना ये सडन लोडिंग, ठीक है, सडन लोडिंग के कारण क्या आता, फिर सडन लोडिंग के कारण आता हमारे पास फिर 1/2 नहीं आता, वो सीधा आता हमारे पास स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। फाइन, तब 1/2 ऑफ नहीं आता। ठीक है, अगर सडन लोडिंग के कारण हमसे पूछता सडन वाले केस में। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज एक्सप्रेस एज। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कैसे निकालते हैं हम। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का दूसरा नाम क्या होता है, शेयर मॉडुलस। ठीक है, शेयर मॉडुलस हम कैसे निकालते हैं, शेयर मॉडुलस होता है शेयर मॉडुलस, इसका दूसरा नाम। ये भी कभी कभी पूछा गया है कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का दूसरा नाम हमें बता दीजिए कि क्या होता है। ठीक है, तो हो गया शेयर मॉडुलस। तो ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज इन न्यूमेरिकल। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। देखिए क्या पूछा है, ए बार 40 mm इन डायमीटर एंड सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल फोर्स ऑफ 40,000 kg अंडरगोज इलॉन्गेशन। ठीक है, एक बार है हमारे पास, उस पर टेंसाइल फोर्स लग रहा है 40,000 kg का, और उस बार का डायमीटर जो था वो है 40 mm। इस पर जैसे ही हमने फोर्स लगाया तो इसमें इलॉन्गेशन होगी। ठीक है, जिसके कारण क्या हो गया कि इसका डायमीटर जो है वो कम हो गया। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल हमें दी गई है, ई का वैल्यू दिया गया है और पॉइजन रेशो का वैल्यू हमें दिया गया है, तो हमें बता दीजिए कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितना होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम ये वाली न्यूमेरिकल। देखिए इसमें क्या है हमारे पास, कहां पर मैं सॉल्व करूं इसको, जगह थोड़ी कम है मैं यहां पर। सबसे पहले तो आपको रिलेशन याद आनी चाहिए कि मुझे कौन से रिलेशन इसमें लगानी है। ई वैल्यू गिवन है और म्यू गिवन है, तो मुझे
याद आना चाहिए कि मुझे मेरे पास क्या निकल के आएगा, इक्वलेंट टू जी इंटू वन प्लस म्यू, जो पहले क्वेश्चन में हमने रिलेशन लिखी थी। ठीक है, ये आ गया आपके पास। यहां से आप क्या निकालेंगे, टू जी वन प्लस म्यू की वैल्यू आपको दी गई है 0.3, ठीक है, और ई की वैल्यू भी है आपको दी है 2 × 10^5। फाइन, जब आपके पास इतना आ गया तो यहां से आप क्या निकालेंगे, यहां से आपके पास जी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा हौश पौश हुआ क्योंकि मुझे स्पेस नहीं मिल रही है, कहां पर बना के दूं आपको, तो ये चलो मैं थोड़ा थोड़ा सा शॉर्ट में ही इसको करने की कोशिश करता हूँ। यहां से 2 × 10^5 = 2g × 1 + 0.3, तो यहां से हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी। मैं एज्यूम कर लेता हूँ कोई भी वैल्यू, तो उसके बाद हम देखते हैं। सपोज मैं इसको ले लेता हूँ कि ये हमारे पास 7, कुछ भी वैल्यू, ठीक है। अब जब आप सॉल्व करोगे इसको तो ये वैल्यू इधर उधर आ सकती है क्योंकि मैंने एज्यूम की है वैल्यू, ठीक है। तो मेरे पास मान लीजिए कि जी हमारे पास कितना आ गया, ठीक है, समझ आया। यही हमसे पूछा था कि जी की वैल्यू हमें बता दीजिए, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको याद आना चाहिए कि इन दोनों में क्या रिलेशन, तो आ जाएगा। न्यूमेरिकल देख के घबराना नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हम। रॉड इज स्ट्रेस्ड टू 50 kN/mm² इन टेंशन, द ई फॉर रॉड इज 200 kN/mm², द स्ट्रेन एनर्जी पर क्यूबिक मीटर विल बी। इसमें मैंने ऑप्शन मेंशन नहीं किए क्योंकि फायदा नहीं है न्यूमेरिकल में ऑप्शन देने का, तो सॉल्व ही करना है इसको। क्या पूछा गया है, स्ट्रेन एनर्जी पर क्यूबिक मीटर, यानी कि वॉल्यूम बेस्ड एनर्जी पूछी गई है हमसे, ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी पर वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम के बेस पे पूछी गई है। तो वो क्या होती है हमारे पास, 1/2 σ × ε, ठीक है, इन दोनों का आप कीजिए, ठीक है। ये क्या आएगा हमारे पास, ये हो गया 1/2 σ × इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, स्ट्रेन की जगह इसकी जगह लिख सकता हूं मैं सिग्मा अपान, ठीक है, यंग्स मॉडुलस, ओके। तो ये होगा मेरे पास 1/2 σ² / E, ठीक है, वो हो गया σ² / 2E, ठीक है। ये रिलेशन किसी ने जब ऐसे ही रिमेंबर की होती है और फिर सॉल्व करके ले आता है, ठीक है। इसको आप देखते हैं क्या करते हैं, सिग्मा, अब सिग्मा का स्क्वायर करना है, सिग्मा कितना दिया गया है हमारे पास, 50 × 50 / 2 × E, E की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 200। फाइन, ये जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा आपके पास 54, 52, तो ये हो गया हमारे पास 25/4, यानी कि ये आया हमारे पास 12 / 2 हो गया 6.25 kN/mm, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास आंसर, ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। न्यूमेरिकल देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल यहां से आएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, द मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन ए बार ऑफ टेपरिंग सेक्शन अंडर डायरेक्ट टेंशन इज एट, यहां से क्या है, टेपरिंग बार हमने इसने दिया है, ये सपोज ये मान ले आप ऐसे है और ये मान ले कि ये इसका दूसरा एंड है, टेपरिंग बार इसी को कहेंगे, ठीक है। ये यहां पर अगर मान ले इसका डायमीटर d1 है और यहां पर इसका डायमीटर d2 है। अब क्या पूछा गया है हमसे कि मैक्सिमम स्ट्रेस आप बता दीजिए। देखिए मैक्सिमम स्ट्रेस इसने बोला है यहां पर आएगा, यहां पर आएगा या यहां पर कहीं पर आएगा, ठीक है, ए आएगा, बी आएगा या सी आएगा, ठीक, यही पूछा है कि अनिवार्य या कहीं पर भी आ सकता है। तो क्या होता है स्ट्रेस, क्या होता है स्ट्रेस, क्या होता है, लोड अपॉन एरिया, ठीक है। तो यहां पर ये टर्म डिफाइनिंग है, यानी कि एरिया, एरिया के इनवर्स से रिलेटेड होगा मेरा स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस होगा मेरा एरिया के इनवर्स, यानी कि एरिया जहां पर कम होगा, अगर यहां पर लिख लेता हूं मैं, अगर एरिया मेरा ज्यादा होगा तो स्ट्रेस मेरा कम होगा। तो मुझे क्या पूछा गया, मैक्सिमम स्ट्रेस, यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेस कहां पर होगा, जहां पर मेरा एरिया मिनिमम होगा, ठीक है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो कहां पर आपको दिख रहा है कि एरिया सबसे कम है, D1 सेक्शन पे, यानी कि A सेक्शन पे, इस एंड पे सबसे कम एरिया है, यहां पर ज्यादा है और मिडल पे इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो D1 यानी कि स्मॉलर एंड, स्मॉलर एंड पे क्या होगा, एरिया कम होगा, यानी कि स्ट्रेस ज्यादा होगा, ठीक है, उम्मीद करता हूं ये भी समझ आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड इन ए बार बाय सडनली अप्लाइड लोड इज एक्स टाइम्स द वन प्रोड्यूस्ड बाय द सेम लोड व्हेन अप्लाइड ग्रेजुअली,
ये जब आपने पढ़ा होगा, ये तब बुक वाले ने भी आपको बड़ा हाईलाइट करके दिखा होगा ये वाला पॉइंट, और या अगर किसी कोचिंग सेंटर से आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर भी उस जो एजुकेटर होगा, ट्यूटर होगा, उसने बड़ा नोट डाउन करने को बोला होगा कि ये पॉइंट आप नोट डाउन कीजिए। ये क्या होता है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सडन वाले की, मैं सिट्रस कितना लगता है, सिट्रस इन सडन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ये होता है 2p/a, और अगर मैं बात करूँ सिग्मा ग्रेजुअल की तो वो मेरे पास लगता है p/a, ठीक है, यानी कि सडन जो होता है ना वो डबल होता है। तो क्या पूछा गया है कि अगर आप सडनली अप्लाई लोड कर रहे हो और अगर आप ग्रेजुअली लगा रहे हो तो सडन वाले का एक्स कितना टाइम होगा, तो 2 टाइम्स होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये 2 इसमें एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये नोट डाउन आप कीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। डिटरमाइन द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ स्टील ब्लॉक ऑफ साइज 80 mm, 40 mm एंड 60 mm, ठीक है, ये इंटो रख लेना बीच में, साइज का मेंशन है। व्हेन इट इज सब्जेक्ट टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पी, यूज ई म्यू, ठीक है, ये म्यू है, यहाँ पर सिंबल मुझे दिखी नहीं होगी उस टाइम, इसलिए मैंने इसको सीधे ऐसे ही लिखा होगा, यहाँ पर ये हो गया म्यू, म्यू इक्वल टू 0.29, फाइन। देखिए इसमें मैं क्या कहूँगा आपको कि चलो सीधा ही करते हैं, ये फॉर्मूला आपने पढ़ी होगी, ये होता है 1 - 2 म्यू अपान, आपको मेरी हैंड राइटिंग से इतनी दिक्कत तो नहीं हो रही है ज़्यादा, फिर मैं थोड़ा बहुत इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लग रहा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, अब फ्लूड को याद कीजिएगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हर डायरेक्शन में इक्वल लगता है, ठीक है, यानी कि जितना एक्स में लगा होगा उतना ही वाई में, उतना ही जेड में, तो कितना लग रहा है, 180 का लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, ये होता है हमारे पास 1 - 2, म्यू की जगह क्या हम लिखेंगे 0.29 डिवाइडेड बाई ई, ई की जगह क्या लिखेंगे गीगा, 200 गीगा पास्कल, गीगा पास्कल की जगह 10 पावर, गीगा की जगह कितना 10 पावर 3, और साथ में फिर मेगा पास्कल बन गया, ठीक है, गीगा से मेगा लाने के लिए मैंने इसको ये किया, और साथ में क्योंकि एक्स वाई जेड बराबर है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा है 3 × 180, ठीक है, इतना आया आपको समझ। अब ये 180 क्या होगा, ये माइनस होगा क्योंकि टेंसाइल लग रहा है, ठीक है, ये आपने एज्यूम करना है, अगर ना दिया हो तो, यानी कि माइनस में लग रहा है 180, ठीक है, इतना हो गया आपके पास। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहां से कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जब आप ये सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, सपोज कुछ वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है, सपोज मैं मान लेता हूँ 10,000 आ गई मेरी वैल्यू, ठीक है, आर्बिट्री वैल्यू ये मैंने मान ली। अब सिग्मा ये आ गया हमारे पास, सॉरी एप्सिलॉन वी आ गया 1000, 10,000, ओके, एप्सिलॉन वी की जगह क्या लिखूंगा मैं, डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वलेंट टू 1000, ठीक है। नाउ डेल्टा वी इज इक्वलेंट टू 1000 × वॉल्यूम, वॉल्यूम आप मुझे बता दीजिए कितना है, 80 × 40 × 60, ये आ गया आपके पास डेल्टा वी, ठीक है। अब डेल्टा वी भी आपके पास आ गया, वी भी आपके पास पता है, वी ऑलरेडी निकाल सकते हैं आप, डेल्टा वी भी आपके पास आ गया, ठीक है, तो हमें पूछा क्या गया है, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है, तो ये हमें बता दीजिए चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, डेल्टा वी कितना हुआ, ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। द रेशो बिटवीन सिट्रस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अब इसका मेरा एक मोटिव है कि मैंने इसको यहाँ पर क्यों इंक्लूड किया, क्यों, क्योंकि इसने बोला नहीं है कि कौन सा स्ट्रेस है आपके पास, नॉर्मल लग रहा है, शेयर लग रहा है, या वॉल्यूमेट्रिक लग रहा है, कौन सा स्ट्रेस लग रहा है, इसने कुछ नहीं बोला है। अब अगर आपका एग्जाम में आ गया तो अब आप क्या करेंगे, कुछ बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ तो ए लगा लेंगे, कुछ बी लगा लेंगे, कुछ सी लगा लेंगे, और कुछ नन लगा लेंगे, और बाहर जब निकलेंगे एग्जाम सेंटर से तो बोलेंगे कि इसमें तो चारों ऑप्शन आएंगे, तो क्वेश्चन ही गलत था, तो इसमें इसलिए चारों ऑप्शन कंसिडर किए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर आप सोच रहे हो कि इसमें चारों लगे। अब उसका मकसद ये है कि उसने क्या बोलना है, हमने कि उसने मेंशन ही नहीं किया यहाँ पर स्ट्रेस कितना है और स्ट्रेन कौन सा है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, ये खुद से आपने एज्यूम करना है कि इट इज नॉर्मल स्ट्रेस और यहाँ पर नॉर्मल स्ट्रेन आपने एज्यूम करना है, ठीक है, तो इनका रेशो क्या होता है, तब ये जाके आसान क्वेश्चन बन गया और हमारे पास आ जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट पे चलते हैं। द रेशो बिटवीन शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन इज कॉल्ड, ये वाला भी सिंपल क्वेश्चन है, तो क्या पूछा गया है हमसे कि शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन का रेशो अगर हम करेंगे तो हमें हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, तो वो क्या आता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, वो आपको पता ही है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। तो ये हमारा सेशन आज यहीं पर रखते हैं हम, उम्मीद करता हूँ मैं आपको पसंद आया होगा।
वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमें मोटिवेशन उसी से मिलती है, ठीक है। वरना हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, जब ऐसा कुछ नहीं आता है हमारे पास तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर मैं ब्रेक लेने लग जाता हूँ, फिर मुझे उतनी कुछ इंटरेस्ट नहीं रहता है वीडियो बनाने में, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए और ऐसे से अच्छे वीडियोस लाते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।